ये देखिए कंट्रोल पैनल शंट जनरेटर का डीसी वाला, ठीक है। ये है एम्पियर मीटर, ये है वोल्ट मीटर। यहाँ पर देखिए कनेक्शन डायग्राम थोड़ा दिखाया है, पास चला वही थोड़ा सा ये कनेक्शन दिखा दो। देखिए यहाँ पर कनेक्शन आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा लाइन है, लाइन वन, ये है लाइन टू, ये डीसी, डीसी मिला यहाँ से 250 वोल्ट का। ये देखिए शंट, शंट में यहाँ पर सही फिगर बनाया गया है। शंट में चार टर्मिनल होते हैं, आर्मेचर वन, आर्मेचर टू, शंट फील्ड वन, शंट फील्ड टू, ठीक है। ये है चार टर्मिनल, यहाँ से यहाँ पर आकर पैनल पर जुड़ा हुआ है। ये ऐसा सर्किट होता है, ये ओवर में दिखाया गया है, ठीक है। आइए नीचे देखते हैं शंट को। देखिए यहाँ पर शंट मोटर है, इसे चार टर्मिनल निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ग्रीन वाला जो है हमारा अर्थ है, ये ग्रीन वाला अर्थ है, ये दो शंट का है और दो ये आर्मेचर का है, ठीक है। ये शंट का, ये आर्मेचर का, ये हमारा अर्थ है। तो पहचानेंगे कैसे, आर्मेचर में हमारा थ्री टेस्ट लाइन फुल ग्लो करेगा, शंट में हमारा ट्यूल स्पार्क करेगा, ठीक है। तो ये पहचान है। यहाँ पर देखेंगे पैनल पर, पैनल पर देखिए यहाँ पर लिखा है आर्मेचर वन, आर्मेचर टू, यहाँ पर लिखा है फील्ड वन, फील्ड टू, ठीक है। ये चार तार आते हैं पैनल पर, पीछे रेक्टिफायर लगा है जिससे कि मतलब कि डीसी मिलता है। ये रियर स्टेट जिसपे हम, जिससे हम क्या करते हैं इसको स्पीड को कम बेसी रेजिस्टेंस के मान से कम बेसी करके स्पीड कंट्रोल करते हैं। ये एमसीबी लगा हुआ है, ठीक है। आगे